अहमदनगर नगर परिसरात सामाजिक कार्यकर्ते सलीम शाह यांच्या हस्ते रस्ता काँक्रीटकरण कामाचा करण्यात आला शुभारंभ। धुळे मिल्लत नगर मधील नागरिकांनी केलेल्या मागणीनुसार महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान अंतर्गत प्रभाग क्रमांक 12 व 19 मिल्लत नगर भागात काँक्रीट रस्त्यासाठी 50 लाखाचा निधी मंजूर करण्यात आला। सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया पार होऊन सलीम शाह यांचे हस्ते प्रभाग क्रमांक 12 व 19 मिल्लत नगर भागात विविध ठिकाणी काँक्रीट रस्ता तयार करणे कामाचा शुभारंभ करण्यात आला। याप्रसंगी सलीम शाह यांचे सोबत मुफ्ती कासिम जिलानी, आमिर पठाण, मौलवी अकीम, साजिद साई, निजाम सय्यद, इब्राहिम पठाण, वसीम अक्रम, शोएब मुल्ला, माजिद पठाण, हलीम शमसुद्दीन, शहजाद मंसूरी, इकबाल शाह, जमील खाटी, शाहिद शाह, मुद्दसार शेख, जियाउद्दीन मिर्झा, आलम शेख, सलमान अंसारी, साऊद आलम, हबीब अंसारी, अल्ताफ पठाण, अलीमुद्दीन शेख, साजिद पठाण, केसर सय्यद आदि उपस्थित होते। आज सोमवार के दिन वार्ड नंबर 12 में फलादारन मस्जिद से लेकर नसरुल्ला पठान इनके घर तक 50 लाख के काम का उद्घाटन आमदार साहब के निधि से, नगर उत्थान की निधि से हुआ है। और आज उस उद्घाटन के मौके पर आमदार साहब के भाई अली जनाब सलीम शेठ साहब और मुफ्ती कासिम साहब और मोहल्ले के बाकी जिम्मेदार मौजूद थे। इनके हाथ से ये काम का उद्घाटन हुआ है। मोहल्ले वालों की गुजारिश थी कि फलादारन तक रोड का काम हो चुका था, उसके बाद लोगों ने तकाजा किया, लोगों ने मांगनी की कि ये काम आगे का होना चाहिए। अलहमदिल्ला आज ये काम का उद्घाटन हुआ है और जल्द ही इस काम को मुकम्मल किया जाए। ये काम 50 लाख की निधि से किया जा रहा है।